वहाँ तो हटा भगा देता है ना, लॉकडाउन होता है तो कहते जाओ जाओ घर जाओ। सर कोई सरकार तरफ से कुछ नहीं मिला, जैसे तैसे करके यहाँ पर गुजारा कर रहा है। आइसक्रीम बेचते हैं। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले हम नारियल पानी बेचवाते थे, बेचते थे भी। बाहर भी जाते थे? हम बाहर भी जाते थे, गुजरात बम्बे में रहते थे। क्या करते थे? वो कपड़ा का कंपनी था, कपड़े कंपनी में हम लोग ढोते थे। वहाँ तो 3-4 साल 5 साल काम किए, अब तो चला है यहाँ। वहाँ से यहाँ कहाँ चला? वहाँ तो हटा भगा देता है ना, लॉकडाउन होता है तो कहते जाओ जाओ घर जाओ। हम फिर आए हैं तो देखे हैं सीजन चालू है तो फिर आइसक्रीम बेचने लगे। मुखिया जी द्वारा खाली राशन उशन हल्का मिलता था। हाँ परेशानी तो पूरा है, यहाँ हम होते हुए आया है। होली के बाद मनु ढेर दिन के बाद आए थे हम। परेशानी आने ने हम लोग के गाड़ी घोड़ा ने बहुत परेशानी पड़ा, जो कमाए से गाड़ी भाड़ा ने खर्च पड़ गया और हम लोग का कुछ नहीं बचा। कभी गाड़ी से आए, कुछ पैदल भी आए, कुछ ऐसे करते करते कहीं पटना ऐसे है तो ऐसे जाइए गया, तो ऐसे करते करते हम लोग आए। बहुत परेशान पड़े, हम लोग को पैसा नहीं बचा। सोच रहे हैं कि फिर लॉकडाउन लग रहा है, ऐसे हो रहा है, इसके चलते बाल बच्चा यहाँ है, इसके चलते नहीं जाना सोच। यहाँ खेती गृहस्थी नहीं, काटनी पिटनी चल रहा है, मजदूरें आई है तो वही काम करते हैं। हम क्या करें, कुछ करेंगे? गाँव राज में जुड़ने तो काम लगेगा तो करेंगे, ना तो बैठे रहेंगे। सर कोई सरकार तरफ से कुछ नहीं मिला, जैसे तैसे करके यहाँ पर गुजारा कर रहा है, कुछ राज मजूर में कुछ खेती गृहस्थी में काम करके। अभी जैसे गेहूं का कटनी है तो 2-4 दिन चला किया और इसी तरह से कट रहा है। और सरकार की तरफ से तो कुछ उन लोग को दोबारा मिला ही नहीं, और दोबारा से जाने के लिए फिर सोच भी रहा था तो फिर इधर फिर बार बार बीमारी या लॉकडाउन के चलते इन लोग सोच नहीं गया। कभी कभी हम लोग 15-20 किलोमीटर पैदल चल कर कैसे भूखने सोना पड़ा था। कहीं कहीं टाउन या अथी में मिलता था तो लोग खाना उना कुछ लोग देते थे, लेकिन ट्रक वगैरह से ज़्यादा हम लोग को हेल्प मिला। ट्रक से उन लोग ज़्यादा करके बिहार लौटने में समर्थन मिला उन लोगों को। लॉकडाउन लगा तो हम लोग अपना शांति बना करके, मास्क लगा करके अपना घर पर काम धंधा भी कर रहे हैं और खा भी रहे हैं। रोजी रोजगार तो जैसे आदमी को करने पड़बे करता है। जैसे थोड़ा सा देखिए समोसा बनाए, अब इसको लेकिन बुतरु 5 रुपया लेकर के आता है खाता है गांव में। हाँ गांव में वाले गांव में फिर करके बेचते हैं। सब कोई बाहर जाते हैं तो अगर मतलब कि सब उसके साथ डोर लग जाएगा ना कि जहाँ जिसको काम साधन मिल रहा है वहाँ आदमी काम कर रहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी बाहर गया है तो पूरे गांव में उठ करके जाएगा, कहीं की सिस्टम नहीं। करीब 50 से 60 आदमी बाहर से आए थे और उन लोगों को हम लोग क्वारंटाइन में रखा। अपने क्वारंटाइन सेंटर पर है ये मुखिया प्रतिनिधि के हैसियत से उनको यहाँ समुचित उपचार दिया। उपचार के बाद उन लोगों को जांच में कोई ही नहीं आया, उसके बाद उनको हम घर में वापसी किया। वापसी के बाद करीब करीब हमारे यहाँ कोई भी श्रमिक मजदूर जो है वो फिर बाहर नहीं गए हैं। कोई रोज़गार मुहैया मनरेगा में करवाए लोगों को और योजना में काम देने का काम किया। और विशेष तौर पर यहाँ प्रॉपर सब्जी का खेती होती है, सब्जी का मजदूरी किया, सब्जी बेचना शुरू किया, कुछ लोग मछली का व्यापार किया। जो भी आया कुछ लोग कुछ टाउन के बगल में रहने के हैसियत से जो भी लोग आए कुछ ना कुछ अपना यहाँ रोज़गार में लग गए। रोज़गार के बाद करीब करीब सभी मजदूर सभी श्रमिक जो है यहीं रह गए, कोई गए नहीं। ABP News आपको रखे आगे।